एक बार की बात है, एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी एक गांव में। वो हर रोज अपने गांव में टहला करती थी। उस बूढ़ी औरत के दो बच्चे थे, एक का नाम था रवि, एक का नाम था रोहन। बड़ा वाला भाई रवि अपनी माँ से आके बोला कि माँ जल्दी आ जाया करो। माँ ये कहता है जल्दी से आके, रवि कहता है कि आ जाओ माँ, गए तुम बहुत देर में घर आती हो, अब कल से जल्दी घर आना। ऐसे ही वो दोनों बात करने लगे। उसके बाद रोहन ने सोचा मैं क्या करूँ, तो रोहन वहाँ पे आया। वहाँ पे आके उसने बोला, रवि बात कर रही होता है कि रोहन उसे धक्का मार कर हटा देता है, तो फटाफट रोहन आके अपनी माँ को बताता है, माँ हमारे गांव में जो है ना कल रात को हमारे बराबर वाले के यहाँ चोरी हो गई है। फिर उसकी माँ कहने लगती है कैसे चोरी हुई। रवि फिर बताते हैं उन्हें कि जो है वहाँ पर बराबर में रात में चोर आया अचानक से, वो चोरी करके सारा सामान लेता है। लेकिन वो तो कहते हैं कि वो बराबर वाले हमारे जो पड़ोसी हैं वो कहते हैं कि उनके कोई चोर नहीं दिखा था, सामान हवा में उड़ के टूट फूट हुआ है। मैंने भी उनके घर आके देखा था, उनका सामान चोरी नहीं हुआ, टूट फूट हुआ है। वो कहते हैं उन्होंने लग रहा है उन्हें कोई उन्होंने चुड़ैल देखी है। जब रवि और रोहन रात में कहीं जा रहे होते हैं, अचानक से फिर उन्हें एक जब ही अचानक से उन्हें चुड़ैल दिखती है। फिर अचानक से वो लोग बातें करते करते चुड़ैल से माफ़ी मांगते हुए फिर अचानक से वो लोग उसे मारने लगते हैं। फिर अचानक से रवि रोहन बेहोश हो जाते हैं। फिर वो रवि वापस उठते हैं, वापस बेहोश हो जाते हैं। वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है, रवि उस भूत को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। चुड़ैल गायब होके एक औरत बन जाती है, और फिर वो औरत बन के चली जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो भी रवि के आगे से चली जाती है। रवि को तो वो लोग हॉस्पिटल में दाखिल करा देते हैं। रोहन जब ठीक हो जाते हैं तो वो लोग जाते हैं एक तांत्रिक के पास जाते हैं। वो लोग तांत्रिक को वो लोग बोलते हैं, रवि सब कुछ उन्हें बता देते हैं कि क्या हुआ, कैसे उसे चुड़ैल दिखी और वो अचानक से एक औरत बन के गायब हो गई। तांत्रिक फिर एक मंत्र पढ़ता है और फिर वो जो अचानक से वो चुड़ैल सामने आ जाती है, तांत्रिक के सामने आ जाती है, और रवि और रोहन भी उसे देख रहे होते हैं। जब भी बाबा उससे पूछते क्यों तंग कर रही हो तुम इस गांव वालों को, क्यों उनका जीना आराम कर रही हो, जब भी चुड़ैल उन्हें बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। एक आदमी आता है अचानक से, उसे फिर लात मार के नीचे फेंक देता है, फिर वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिर के वो आदमी तो गिरफ्तार हो जाता है। रोहन पुलिस वाले से जाके बात करते हैं कि उस बंदे को सजाए मौत दे दो, उसकी वजह से यहाँ पे एक चुड़ैल आई हुई है जो सबको परेशान कर रही है। पुलिस वाला भी फिर मान जाता है, फिर उस बंदे को सजाए मौत हो जाती है। फिर उस चुड़ैल की रूह रोहन से कह के जाती है, शुक्रिया रोहन मुझे मुक्ति मिल गई है। फिर वो आसमान में गायब हो जाती है।